Uh, मैं कॉन्वर्जेसन में थोड़ा सा शुरू करूँगा uh, अब तो ये माशा सेंटर सजा ह्यूज ब्रांड अक्रॉस पाकिस्तान और आप, आप लोग अब लाहौर में भी खोल रहे हैं आम काफ़ी रेपिडली ग्रो भी कर रहा है बट जस्ट सॉट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने अपना हाई स्कूल कहाँ से किया और उसके बाद फिर आप इस साइड पर कैसे आए बिकॉज इट्स ऑबियसली आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है टू वर्ड्स एंड हेल्थ केयर फिल तो उसकी थोड़ी मुझे अगर जर्नी बताएं देखिए मैं जो स्प्रिंगफील्ड स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था फिर एफ एस सी मैंने आदम जी साइंस कॉलेज से किया था कराची में दो बड़े कॉलेज डी जे एन आदम जी और फिर मेडिकल कॉलेज मैंने डा मेडिकल कॉलेज से किया जी um, कैसा था आपका ग्रोइंग अप ये जो मेडिकल um, का पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस मेडिकल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था क्योंकि जो बेसिकली uh, मैं थोड़ा सा अपना ताल्लुक अपना बता दूँ कि मेरी जो एक रिलीजस फैमिली से ताल्लुक था मेरे वालद साहब जो है ना गुजार इंसान थे और उनकी एक आदत थी कि वो जो है ना दुआ बावास आवाज़ करा करते थे अपने बहन भाई उनके बच्चे और अपने बच्चों के नाम लेकर तो मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके साथ आखिरी उम्र में वो पैराप्लेजिक भी हो गए थे तो मैं उनके साथ ही सोता था सुबह ताजुद के लिए उनको उठाना और उनको तैयार करके फिर उसके बाद वो ताजुद पढ़ते थे हम सो जाते थे लेकिन कान में आवाज़ें आती रहती थी तो उसी दौरान मतलब सारी उम्र मैंने उनकी तरफ से सिर्फ़ एक ही दुआ सुनी कि बारी को ख़मत ख़ल के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना सही इसके अलावा कोई और दवा नहीं ना पैसे के लिए ना शहरत के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं और अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दा मेडिकल कॉलेज में नाइनटीन में जॉइन किया था उसके साथ एक अटैच पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल जैसे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के हाल होते हैं बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल होता है बाकी बेसिक मेडिसिन रेस्ट आउट ऑफ पॉकेट right. और उन, उन ये बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि सूबे के टर्शरी केयर हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर पूरा पूरा जो कराची के अलावा उसके अलावा इंटीरियर्स ऑफ सिंध के साथ जो भी जाना है वो कराची जाता है जैसे लाहौर जाता है सीधा पेशावर आता है तो लोड बहुत होता था और हर मरीज़ को यह कहानी लेकर आता था कोई अपनी बकरी बेच के आता था कोई अपनी भैंस बेच के आता था कोई अपना घर बेच के आता था और मैंने काफ़ी लोगों से काफ़ी मतलब आप हज़ारों माओं को या बाप को अपने जवान औलाद के लिए अपने छोटे बच्चे के लिए कहते सुना कि इसको मर जाने दें क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं होते थे पूरा घर अप्रूट हो के आता था जब यहाँ पर तो डॉ मेडिकल कॉलेज में दिन स्टूडेंट्स हैं नाइनटीन में एक ऑर्गेनाइजेशन बाई पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जिनका काम यह कि हर वार्ड से दो दो मरीजों को जो करीब तरीन होते हैं उनके लिए दवाइयाँ देना उनके लिए ब्लड अरेंज करना तो मैंने नाइनटीन एटी में इस, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था अपटिल नाइनटीन एटी वन जो सोर्स सो ऑफ ब्लड जो इस मुल्क में था वो प्रोफेशनल डोनर्स होते ड्रग एडिक्स होते थे ये अपना ब्लड बेचा करते थे अच्छा वॉल्ट्रिजम था नहीं लोग ब्लड डोनेट करते नहीं थे कॉन्सेप्ट ही नहीं था अच्छा okay. तो मैं बट uh, उनका ब्लड आई मीन दे दे एडिक्ट्स राइट सो दे आर दे सो लेडन विद ड्रग्स एसेंशियली उनका ब्लड देखिए ड्रग्स हो वो इतना मसला नहीं है अच्छा okay. लेकिन उनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था हेपेटाइटिस एचआईवी मलेरिया सिफिलिस व्हाट नॉट और हीमोग्लोबिन तो होता नहीं था क्योंकि हफ्ते में जो एक नॉर्मल सेहतमंद आदमी होता है वो तीन माह में अपना एक दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकता है ये लोग हफ्ते में दो दफ़ा भी बेचते थे अपना ब्लड अच्छा और, और ये, उस ये पैसे ले रहे होते थे उसके पैसे लेते थे पैसे लेते थे तो नाइनटीन में ये स्ट्राइक पर चले गए अच्छे पैसे बढ़ाने के लिए अच्छा बींग द ओनली सोर्स तो काफ़ी बुरे हालात थे काफ़ी अमवाद भी हुई और हम लोगों ने अपने दोस्तों को मेडिकल स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन कराई जो हम पहले भी करते थे कोशिश करते थे लेकिन अमवात हुई लेकिन ये हाल वॉज द ब्लैसिंग इन डिस अच्छा अम देगा अवी कांट बी होस्टेड टू दिस पीपल लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक तो 1982 में और मेरी खुशकस्मत थी कि मुझे उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया और मैंने पहला ब्लड बैंक बनाया उस वक्त तक सबको होल्ड ब्लड मिला करता था कोई भी प्लेटलेट्स चाहिए तो फ्रेश ब्लड लगा दो प्लाज्मा चाहिए या पैक्सल चाहिए तो आप लटका दें तीन घंटे के लिए तो पैक्सल नीचे हो जाएंगे वो निकाल दो ऊपर प्लाज्मा होगा एक को प्लाज्मा दे दो ये कर दो तो और आप स्टूडेंट थे इस टाइम मैं, मैं मेडिकल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था अच्छा फिर उसके बाद 1984 में मैं जर्मनी गया मैंने ये क्राईफ्यूज मशीन लेके आया जो कि कॉम्पिटेंट सेपरेट करती थी वहाँ से ट्रेनिंग लेके कर आया फिर लोगों को ट्रेन किया डॉक्टरों को पढ़ाया अच्छा एज ए स्टूडेंट के कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और फंड्स आपने कहा से रेज किए फॉर दिस फंड्स सारे से मिलते थे अच्छा हमारा हर साल एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती थी जहाँ हम अपना बजट प्रेजेंट करते थे और हमेशा हर साल एक नया प्रोजेक्ट लाते थे नाइनटीन में जब मैं अपनी फोर्थ ईयर की ये स्टूडेंट बॉडी थी तो 84 में जो कैबिनेट जो होती थी वो 84 से वो फोर्थ ईयर से होती थी राइट right. क्योंकि फाइनल ईयर में जाके आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती थी तो फाइनल ईयर में आप एडवाइजरी कैपेसिटी में चले जाते थे तो मुझे याद है मैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गया हुआ हमने एक जनरल बॉडी मीटिंग की और उसमें मैंने कहा कि जी हम नया प्रोजेक्ट किया है कि हम अगले साल से हम कंपोनेंट देना शुरू करेंगे सही है तो उसी में कोई एक साहब आए थे डोनर तो मैं तो अपने दूसरे दिन अपनी छुट्टी पे चला गया एग्ज़ाम प्रेपरेटरी लीव पे चला गया तो मैं चार पांच दिन मुझे फ़ोन आया कि एक डोनर आए हैं और वो मिलना चाहते हैं तो मैं वापस आया उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो जो है ना वो चार लाख का प्रोजेक्ट था उन्होंने कहा ठीक है ये को शाम चार बजे मीटिंग है वो चार लाख एक ब्राउन लिफाफे के अंदर कैश मेरे हाथ में पकड़ा दिया नाइनटीन एटीज़ में नाइनटीन एटीज़ में अच्छा तो मैं तो अब उस वक्त तो हम तो घबरा गए कि उसको रखना किधर बैंक भी बंद बैंक बंद हो जाते थे एक डेढ़ बजे राइट right. आकर के अपने एक सीनियर के घर पर रखवाए ताकि फिर ये सारा चीज़ किया और फिर हमने ये सारी चीज़ें शुरू की नाइनटीन में जब मेरा ग्रेजुएशन का ईयर था जब मैंने ग्रेजुएट किया तो कराची में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाजार के अंदर ये फर्स्ट टेरिस अटैक इन कराची नहीं तो कराची वो आपको पता है कि पेरिस ऑफ द ईस्ट और इस किस्म की रोशनियों का शहर है और ये है वहाँ से हालात ख़राब होना शुरू हुए थे तो पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये अफगान जंग कोल्ड वॉर उस वक्त ही चल रही थी मैं हू कर रहा था मुझे याद है कि बहुत सारे डेड बॉडीज़ में से क्योंकि हजारों ज़ख्मी हुए थे सैकड़ों मरे भी डेड बॉडीज़ में से ज़ख्मियों को निकाला फ्रेश पे ट्रीट किया सिविल हॉस्पिटल कैजुअलिटी बहुत बुरे हाल में थी वो तो लेकिन उसमें एक और चीज पॉजिटिव चीज़ नज़र आई थी कि कैजुअल्टी के, के, के बाहर लंबी मीलों लंबी लाइन थी लोगों की ब्लड डोनेट करने के लिए अच्छा ठीक है ना तो जब ब्लड बैंक बन गया तो वो उसमें कुछ दो तीन चीज़, अच्छी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करता हूँ कि एक जो, अब लोगों को मोटिवेट करना कि आप ब्लड डोनेट करें तो लोग तो मानते नहीं थे एक पेशेंट थी जो कि गायनी लेबर रूम में ब्लीड कर रही थी उसकी ज़िंदगी ख़तरे में थी पठान औरत थी मैं उसके मियाँ को पकड़ा उसको हम समझाना शुरू किया मैंने कहा कि कि तुम ब्लड दो अपनी बीवी के लिए वो कहने कहना डॉक्टर साहब मैं ब्लड दूंगा तो ये मेरी बहन हो जाएगी मैंने कहा ये ब्लड देने से बहन नहीं होती है ये जो है ना जब माँ बाप एक हो तो तब बहन होती है, है, है। आगे समझा उमझा के मैं उसको समझा के ब्लड बैंक की तरफ ले जा रहा था तो रास्ते में उसका बाप मिल गया बूढ़ा सा उसने कहा कहाँ जा रहे हो उसने कहा मैं खून देने जा रहा हूँ उसका बाबा बढ़ गया उसने कहा तुमने खून नहीं देना और तुमने अगर खून दिया मैं दीवार पर अपना सर पार के सर तोड़ लूँगा अपने आप को मार दूँगा अगर तुमने लट दिया अब उसके बाप को समझा रहा हूँ कि बाबा तुम्हारी बहुए मर जाएगी कहते मर जाए दूसरी आ जाएगी मतलब इन हालात से हमने शुरू किया था तो एक यूनिट आता था जिस दिन जिस दिन दो आते थे रोज एक आता जिस दिन दो आते हम पार्टी करते थे आज दो चला गया आज वही ब्लड बैंक स्टूडेंट चलाते हैं टू हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव टू एटीट पर डे जाता है जबरदस्त तो ये तो उसकी कहानी थी तो मैं ये बता रहा था कि जो कैजुअलिटी का जब हुआ तो लोग लाइनों से लगे हुए थे जो कि ब्लड डोनेट करने के लिए लगे हुए थे उसके अलावा लोग वहाँ खड़े हुए थे थैलियों में पैसे लेकर कि कौन सी दवाई चाहिए आपको वो हौसला दिया आपको फिर हमने कहा जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने कहा कि हम एक अपना एक जो है ना इस एमरजेंसी डिपार्टमेंट को नया बनाते हैं बहुत छोटी सी थी हमने कहा सौ बेड की स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी बनाएंगे डोनेशन से और उस पर हमने काम शुरू कर दिया उस वक्त कुछ छत्तीस लाख रुपए का बजट बना था नाइनटीन में और उसके बाद उसके पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए थे गुल्लक जिसको कहते हैं तो हम लोग तो हमने हमारे पास वहाँ पर जो जो साइट थी जहाँ था वहाँ एक फ़ोटोग्राफ़र था उसने उस पूरे को कैप्चर किया था तस्वीरें थी तो उस ज़माने में वो स्लाइड बनती थी कैरसोल होता था उससे चलता था वो उस सारा उसकी हमने स्लाइडें बनाई और फिर हम स्कूल में जाके उसकी प्रेजेंटेशन देते बहुत होलनाक स्लाइड्स थी डेड बॉडीज़ की पीसेस कहीं तारों पे लटक रहे हैं कहीं दरख्तों पे लगे हुए हैं आग जल रही है एक क्यास है तो वो बच्चे और फिर बच्चों को मैंने बक्सेस देते थे तो उसमें से छत्तीस में से चौबीस लाख रुपये इन बच्चों ने जमा किए अच्छा तीन लाख रुपये कॉइन्स की सूरत में थे पाँच पैसे दस पैसे चार आने आठ आने और लेकिन उस वक्त हमारा पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट जो था ना उन्होंने बड़ा तंग किया था हमको अच्छा और इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो हम सब दोस्त खड़े हुए थे तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि अल्लाह ने मौका दिया तो इनशाला इन शह एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा और कोई बेक्रेसी नहीं होगी तो ख्वाब 1987 में देखा गया राइट right. तो थोड़ा समय से असल बिस... में जो है ना आप, आप समझते हैं ना कि ख्वाब हम समझते हैं ख्वाब तो वो होते हैं जब हम सोते में देखते हैं mm. असल ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते इंटरेस्टिंग और Interesting. ये ख्वाब था जिसने हमको सोने नहीं दिया ज़बरदस्त एंड so, इसके ये नाइनटीन सिक्स आपने बताया 86, 87 और फिर उसके तकरीबन 20 साल के बाद ऑफिशियली इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ बीस साल um, थोड़ा सा मैं पहले जाऊंगा नाइनटीन um, 1979 में आपने मेडिकल स्कूल स्टार्ट किया um, जाहिर है कि ये अब आप, आप जो टाइम बता रहे हैं उसमें पाकिस्तान में आजकल तो ज़ाहिर है कि बहुत डिफरेंट सोसाइटी हो गई है बहुत एक्सपेंसिव भी हो गई है उस टाइम के ऊपर आपने मतलब जब जो डॉक्टर बनने का यू नो डिसीज़न था वो आपके पेरेंट्स का था या आपने बस खुद से डिसाइड कर लिया हुआ था कि जी मुझे डॉक्टर ही बनना है मेरा अपना था अच्छा मेरा अपना था और मैं हमेशा देखें हमारे ज़माने में जो था ना कोई चॉइस है थी नहीं right. अच्छा स्टूडेंट होता था वो या मेडिकल करता था या इंजीनियरिंग करता था जिसका मैथ्स अच्छा होता था वो इंजीनियरिंग में जाता था जिसका मैथ्स ख़राब होता था वो मेडिकल में जाता था और जो इन दोनों में नहीं जा सकता था वो कॉमर्स कॉलेज में चला जाता था तो ये थी अब तो बहुत आपके पास वेरी फील्ड्स हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं तो लेकिन मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा और देखें अभी भी डॉक्टर से जब बात करेंगे जो बन रहा है डॉक्टर आप कहते जी मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है ठीक है ना हमारा भी तक इंसानियत खिदमत करेंगे और मेरा ये भी था कि मैंने कार्ड सर्जन बनना है जब आ, मैं मेडिकल फील्ड में आ गया तब कुछ उसके बाद आ, वर यू फ्रॉम अ कंफर्टेबल फैमिली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड देखिए आई वाज मैं मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक था ठीक है और मैं एक्चुअली मैं हूँ पेशावर से लेकिन मेरे फादर 1956 में कराची आ गए थे तो मेरी तालीम मेरी पैदाइश कराची की है सही है मेरी बाकी फैमिली मतलब तो चाचा मामू फूफी خال वो सारे पेशावर में थे अच्छा तो मैं वहीं था हमारा दो ढाई का घर था अच्छा मतलब दो कमरे थे और बीच में एक लाउंज होता था उस जमाने में एक बाथरूम एक टॉयलेट और एक बाथरूम होता था मुझे हमेशा अभी भी मैं सोचता हूँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ और हम ग्यारह बहन भाई थे अच्छा तो जी हाँ माशा उस वक्त जब मेरी होश में मैंने संभाला है तो मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी अच्छा तो इसलिए मुझे वो उनका याद नहीं है लेकिन उस जमाने में कराची वॉज द ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छा तो जो पेशावर से जब किसी ने मुल्क से बाहर जाना होता तो वो कराची आता था कराची आता तो हमारे घर आता था तो मतलब ग्यारह तो ब... दो गैलरी ब... होती तो मुझे याद है कि एक गैलरी में दो दो लेटते थे वहीं पर मेरी टेबल होती थी वहीं में बैठ के पढ़ता भी था अच्छा उसी घर में मैंने पढ़ा भी तो कोई वो नहीं था लेकिन अलहमद जो सुकून के साथ ठीक थी, था ये नहीं था कि मिडिल क्लास बट नॉट गरीब नहीं थे जिसको गरीब नहीं कह सकते right. लेकिन वो सफ़ेद पोषी रहती थी सफ़ेद पोश जिसको कहते हैं सफ़ेद पोश रहते थे वो एफिशेंटली माएँ जो होती थी वो एफिशेंटली हर चीज़ को पकाना वकाना सब कुछ ऐसे कर लिया कि सब का काम हो गया सारे बच्चे पढ़ लिए सब पढ़ लिए सब कुछ हो गया मतलब ये होता था कि हमारे एक एक चीज़ होती जिसको शोला कहते थे जो पकता था वो पिछले चार पाँच दिन की जो बची हुई तो थी सबको डाल के एक पक <laughs> जाता था तो वो एक चूल्हा होता उसमें तो चावल चावल डाल के हम लोग खा लेते राइट राइट एटी सेवन असेंशली आपने ग्रेजुएट किया 86 एटी सेवन 86 में यू डू माइ हाउस जॉब उसके बाद आपने पाकिस्तान में अगले बीस साल गुजारे हैं या है, है, मैं जैसे uh, मैं फिर यहीं रहा पाकिस्तान में सही मेरे दोस्त जो थे जिन्होंने ये ख्वाब देखा था वो कोई यू चला गया कोई यू चला गया कोई बात लगे जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर के पैराफ्लिजिक थे तो मैंने ये फैसला यही किया कि मैं उनके पास ही रहूँगा क्योंकि मैं एक फैमिली का एक ही डॉक्टर था राइट right. और मेरे वाले सब कहा करते थे कि बेटा क्योंकि उनको पता था मैं एक अच्छा स्टूडेंट था मेरिट पर होता था और उनको वो भी होता था ख्याल भी होता था कि बच्चे सब बाहर जा रहे हैं इसका भी दल जलता आता होगा कि बाहर जाके पढ़ूँ पढ़ के आऊँ फिर करूँ लेकिन हमेशा ये कहा करते थे कितु को बारी यहाँ पर तुमको इतना मिलेगा कि तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं मिलेगा अलहदुल्लह बस आज जो हैं उनकी दुआओं की वजह से उनकी तरबियत की वजह से हैं राइट right. um, फिर उसके बाद क्या वॉट फिर उसके बाद मैंने आ, जो क्यों जैसे मैंने कहा मैंने कार्डियक सर्जरी के लिए करना था तो हमारी पहले जनरल सर्जरी की रोटेशन थी मैंने पार्ट वन क्लियर किया कॉलेज ऑफ फिजिशन सर्जन से फिर उसके बाद मैं एन चला गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कड़ेबास्कलर डिजीज में कार्डिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए कराची में कराची में जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर दो थिएटर थे दस बेड का आई था और वेटिंग लिस्ट तीन साल थी और हमें पता था कि आधे से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे वापस hmm. और अब मेरा एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती थी लोग मुझे जानते थे कि फिलानथ्रापिक काम करता है तो फिर लोग कहते थे कि जी अब अस्पताल में क्योंकि लो, लोग लोगों की बात ज़क़ात होती है उसको कहीं जगह सही जगह लग जाए तो उनके लिए अच्छी बात होती है तो वो कहा करते थे कि, कि किसी मरीज के लिए आ, हार्ट वेल चाहिए हो दवाइयाँ चाहिए हो तो मैंने सजमान से कहा कि जी इस किस्म की चीज़ें लोग देने के लिए तैयार हैं उन्होंने मुझसे पूछा कितने लोगों को कर देंगे मैंने कहा सौ डेढ़ सौ दो सौ जितना होगा तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेना तो मासस को फ़ायदा हो जाएगा तो कोई कोई तीन महीने के अंदर कोई तीन चार पाँच छः करोड़ रुपये हमने जमा किए और फिर दो थिएटर ऐड किए आई डबल हो गया वेटिंग लिस्ट छः माह पे आ गई अच्छा अच्छा शुरू में मैं क्योंकि हमारी जब रोटेशन होती तो पहले कार्डियोलॉजी की होती थी मैं वहाँ पर रोटेशन करता था और फिर ये बनाना भी शुरू कर दिया था तो जो, जो मेरे दूसरे लोग थे तो वो मुझे डॉक्टर नहीं समझते थे वो समझते कॉन्ट्रैक्टर है अच्छा। <laughs> सारी चीजें लेकिन जब बन गया तब मैं फिर कपड़े शपड़े पहन के अंदर थिएटर में पहुंच गया तो तब उन लोगों को अरे भाई ये तो <laughs> नहीं तो आ, आ, ये जाहिर है कि प्री सोशल मीडिया का ज़माना है फंड रेजिंग अब तो आजकल के जमाने में कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है आ, जो पहले वाला तो चलो आई अंडरस्टैंड देव एम यू नो देर इज एन इमोशनल सेंटिमेंट अटैच टू इट एज वेल बॉम ब्लास्ट हुआ था पहला बॉम ब्लास्ट हुआ था बट हाउ आर यू वोट आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था या एक प्रोसेस बनाया हुआ था इट जस्ट वन मैन उस वक्त अच्छा. तो जो डा मेडिकल कॉलेज ये जो एन आई सी बी डी के अंदर जो थिएटर्स बने थे इट वॉज मी अच्छा क्योंकि वो उस वक्त कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जान पहचान के ऊपर इसके पास चला गया उसके पास चला गया तो मुझे वो वो साल था नाइनटीन नाइन्टी वन का और मेरी मेरी शादी भी उसी साल हुई है दिसंबर में अक्टूबर में हमने काम शुरू किया था और लोगों के पास पहुंच गया मेरे एक दोस्त था उसका जो है ना उनके वाले साहब का बिजनेस था सबसे पहले मुझे उसने याद करा उसने दिए कोई तकरीबन समझे कि पच्चीस हज़ार डॉलर अच्छा थोड़ी फाइव थाउजेंड डॉलर में पहली डॉल्प इंडो नेशन मैंने वहाँ ली थी उसके बाद दूसरा जो हुआ मेरे एक दोस्त था उसकी शादी हुई थी तो उसकी बीवी ने शायद थोड़ी मजहबी थी तो उसके पास कोई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पड़े हुए थे या एन थी शायद तो उसकी मेरी उसकी बीवी ने कहा यह सब सूद है इसको निकालो अच्छा मैंने कहा मुझे दे दो <laughs> तो बेचर मेजर सीट बनी वहाँ से आ गई जब वो शुरू हो गया आखिर में जब मुझे जो मैंने जैसे कहा कि मेरी शादी का साल था नाइन्टी वन का दिसंबर का और ये कोई सत्रह अठारह दिसंबर था मेरे पास काफ़ी पैसे हो चुके थे बस और काम तैयार हो गया था मेरे पास शॉर्टेज थी छः लाख रुपए की और मुझे पेशावर भी जाना था फैमिली मेरी जा चुकी थी उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुमने बीस तारीख को पहुँचना है बाईस तारीख को मैंने देखा था और क्योंकि उस जमाने में फॉग होती है दिसंबर के मैंने फ्लाइट्स ऊपर नीचे हो रही होती है तो उन्होंने कहा आपको बस उससे ज़्यादा लेट नहीं रहना तो जब छः लाख रह गए तो मैंने एक साहब को फ़ोन किया तो उसने कहा अच्छा एक लाख रुपये मैं दे दे दूँगा तुमको और नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट है ठीक है तो मैंने एक और साहब को फ़ोन किया उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा देखो मेरा एक दोस्त है वो कल बाद जा रहा है का प्रोग्राम है अगर वो नहीं गया तो मैं इनको लेके आऊँगा तो आप मुझे सुबह नौ बजे फ़ोन करना मैंने कहा ठीक है मैं रात को काम करके दस ग्यारह बजे घर पहुँचा घर में अकेला था सब कुछ सब जा चुके थे मैं कोई लेट गया सो गया डेढ़ दो बजे घबराहट में आँख खुली ना जैसे पलपिटेशन पसीना आ रहा है अब घबराहट है कि कोई वजह नजर नहीं आती थी बस लेकिन बैक ऑफ माइंड में ही चल रहा था कि यार ये पाँच लाख रुपए का क्या होगा और तो ये होगा सोने की बड़ी कोशिश की इधर करवट उधर करवट करते करते काफ़ी देर हो गई तो मैं फिर उठा और मैंने वजू किया तहजद की नमाज़ पढ़ी और मैंने दो रकात नमाज पढ़ी और मैंने अल्लाह से दुआ की कि, कि जब सुबह मैं उठूँ तो मेरे सर पर जब मैं कराची से निकलूँ कल तो मेरे सर पर कर्ज का बोझ ना हो बस ये दुआ करके मैं लेटा तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं मैं आराम से सो गया सुबह उठा और सुबह मैंने उनको फ़ोन किया नौ बजे उन्होंने कहा वो गए नहीं हम ग्यारह बजे आ रहे हैं और ग्यारह बजे वो पहुँच गए यहाँ हमने सफाई शफाई करा के सारा शुरू करना था दुआ कराई और दुआ करके शुरू हो गया तो वो आ गए उनको दिखाया दिखाया तो उन्होंने देख लिया उन्होंने कहा अच्छा क्या मसला क्या है बाब मैंने कहा मसला कुछ नहीं है मसला ये है कि मैं हमारा कोई पाँच सारा काम हो चुका है ठेकेदार के पाँच लाख रुपये देने हैं हमने तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो निकले जाएँ और मैं रहमान साहब को जो है ना कल चेक पहुँचवा दूँगा अच्छा मैं बस फिर वहाँ से निकली रो right. um, आपकी फ़िलान्थ्रप uh, जर्नी uh, है एक तो इंडस हॉस्पिटल जाहिर है टूट सेवन उससे पहले साथ साथ ही आप कंटिन्यूसली करते रहे थे या प्राइवेट लाइक आप फ्री प्रैक्टिस ही कर रहे थे नहीं, नहीं, ये चला ना जब मैं यहाँ अच्छा। से निकला तो फिर मैं जब मैं सिविल हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था जेल रेजिडेंसी कर रहा था और कार्डियक सर्जरी सिर्फ एन में होती थी और कराची में कहीं नहीं होती थी पब्लिक सेक्टर के अंदर और मेरे एक मिशन के साथ गया था इस कार्डिक सर्जरी ट्रेनिंग के लिए कि मैं आऊँगा और सिविल हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जरी शुरू करूँगा राइट तो मैं 95 में मैं 96 में मैंने फेलोशिप की मैं यहाँ पर आ गया मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई और मुझे बता दिया गया कि अगले तीन साल कोई फंडिंग नहीं है कैडिक सर्जरी के लिए जो मुझे पता था तो मैं फिर मैंने कुछ लोग जमा किए एक फ्रेंड्स ऑफ कैडिक सर्जरी बनाई वही साहब जिनसे मैंने वहाँ के लिए पाँच लाख जिन्होंने मुझे दिलवाए थे मैं उनके पास फिर पहुँच गया कि मुझे जो है ना वो करना है इस तरह बनाना है उसकी वजह से मुझे।, मुझे पैसे चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं वो पैसे वैसे करते हैं ये मेरे उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया यंग लड़का बाईस तेईस साल का इसने मुझे बिज़नेस ज्वाइन किया अभी ये मैं तुमको दे रहा हूँ अच्छा तुम इसको अपने साथ लगाओ ये प्रैक्टिकली जाके अपने हाथों से काम करेगा तो सारी जिंदगी ये काम करेगा बस वो फिर मेरे साथ उसने पांच, पांच क, आया उसने पाँच पाँच सौ रुपये से बैंक अकाउंट खुलवाया हमारा फ्रेंड्स ऑफ कार्डिक सर्जरी का और फिर उसके बाद हमने कोई आठ दस सौ करोड़ रुपये जमा किए अच्छा और फिर कार्डिक सर्जरी दो में कार्डिक सर्जरी शुरू हो गई सिविल हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल गवर्नमेंट का मुझसे वो लोग कहते थे कि तुमको गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट थी उस वक्त नहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट ये थी कि उन्होंने मुझे करने दिया रुक भी सकते थे कि नहीं कुछ नहीं सरकारी जगह में नहीं है और फिर आज तक वहाँ पर तकरीबन समझे नौ हज़ार से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और माशा ज़ीरो से शुरू हुआ और हम ले, ले कर चलते गए और मैं सुबह वहाँ होता था दो हज़ार चार में जब मेरे दोस्त वहाँ से वापस आए तो मैंने एक फजर की नमाज के बाद सबको बुलाया और मैंने कहा कि जी हमारा एक ख्वाब हमने देखा था 1987 में अब वक्त आ गया उसको रियलाइज़ करते हैं राइट right. तुम लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो मैं भी कर चुका हूँ लेट्स स्टार्ट अच्छा फ्रेंड्स आपके बाहर से वापस जमा हुए फिर हम रोज़ फजर के बाद मिलते थे अल दो दिन बाद तीन दिन बाद फिर हमने एक फाउंडेशन बनाई रफ्यादा फाउंडेशन के नाम से और फिर हमने ये जगह देखनी शुरू कर दी तो जगह जाके हमको यहाँ पर कराची में जो करंगी का इलाका है वहाँ पर एक पाकिस्तानी डॉक्टर धाबी में थे उन्हें लेट एटीज़ में एक जगह जब कोत वॉर चल रही थी राइट तो उन्होंने कहा जब क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल होते हैं तो हमारा क्यों नहीं हो सकता तो इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल करके उन्हें बीस एकड़ जगह ली करंगी में अच्छा उस वक्त और उसके बाद उन्होंने नर्सिंग कॉलेज शुरू किया हॉस्पिटल की बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार था ग्राउंड प्लस वन फिनिश हो चुका था नाइनटीन के नाइनटी एटी एट एटी नाइन के बाद कराची के हालात ख़राब होना शुरू हुए थे बहुत बुरे हालात थे नाइन्टी टू में उनके घर पे फायरिंग हुई तो वो छोट सड़ के चले गए राइट right. और जबकि अबूदाबी में ही बस जो पर्सनल अस सर्जन टू शेख बिन सुल्तान और नायान के वो पर्सनल वो थे अच्छा। पैसे जमा किए ख़ुद अपना जान लगाई सारा दिल लगाया उसके अंदर बाकी उन्हें कोशिश की चलाने की लेकिन नहीं चला सकते हमारे कॉमन डोनर्स थे जो मुझे भी देते थे तो उनको भी देते थे उन्होंने मुझे कहा ये क्यों नहीं ले लेते हो तो एक साल लगा उनको कन्विंस करने में फिर हमने 2005 में यहाँ पर काम शुरू कर दिया पैसा था नहीं लेकिन यकीन था अल्लाह तला के पर यकीन यहाँ से था कि अल्लाह ने करना है हमने अपनी हिम्मत लगा दी है और अलहमद फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और फिर चलता चलता सो so 2007 में ऑफिशियली हॉस्पिटल स्टार्टेड लाइक 2005 में जैसे हमने शुरू किया था 2005 में हमने जब शुरू किया तो जैसे मैंने कहा कि ठेकेदार ठेकेदार उसको रेनोवेशन प्लान बन गया सबको ठेकेदार हायर कर लिया ठेकेदार को बोला तो तोड़ फोड़ शुरू करो और बिल देना शुरू कर देना तो जब ताकि हमको मांगने में आसानी हो तो कोई दस लाख रुपए का बजट मतलब एक दिन में निकला तो दस लाख रुपए के बिल्स मेरे पास थे और हमारे एक कॉमन विद पुराने डोनर थे जो कि मुझे डा मेडिकल कॉलेज के ज़माने से एक सर्जरी में भी बड़ी हेल्प की थी तो उनके पास मैं पहुँचा तो वो खुद थाईलैंड में होते थे उनके यहाँ पर साले यहाँ होते थे तो मैंने उनके साथ शेयर किया था अपना विजन ये ड्रीम है हमारी कि आवा खान से बेहतर हॉस्पिटल लेकिन फ्री तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि वो आए हुए चलो तुम कल मैंने टाइम ले लिया उनसे मिलूँ मैं शेयर करो तो मैं उनके पास पहुंच गया उनको मैंने कहा कि जी इस तरह हमारा ख्वाब है और ये हम करना चाहते हैं हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो आगा खान से बेहतर हो नहीं तो कम अज़ कम वैसा हो और फ्री हो तो खूब डॉक्टर साहब शायद बन जाए चलना मुश्किल है कैसे चलेगा मैंने कहा अल्लाह चलाएगा कह डॉक्टर साहब को तो हम सब का ही है अल्लाह चलाएगा और अल्लाह आसमान से तो पैसे नहीं फेंकेगा ना कोई ज़रिया होगा मैंने अभी मौका मुकदम मत जाना मैंने कहा जी आप दे देंगे वो कहना कि ठीक है मैं दे दूँ लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना दें मैंने कहा देखिए मेरा स्टांस वही है कि अल्लाह चलाएगा आप बहस कर रहे हैं ऐसा करते हैं कि इसको किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं या आप मुझे कन्विस्स करें या मैं आपको कन्वेंस करता हूँ मैंने कहा आप कहते हैं कि जी आप जो आपके बच्चे ना करें मैं समझता हूँ आपके बच्चे के पास एक ऑप्शन नहीं है आपके बच्चे को बस तीन ऑप्शन है नोइंग यू आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि वो आपकी सुन्नत को जारी रखे दूसरी दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला उनको आपसे गुना ज़्यादा दे वो मुझे गुना ज़्यादा दे और तीसरा ऑप्शन अल्लाह किसी को दे के वापस ले लें जो आपका खदशा है कि वो ना करें अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन दूसरा है तो सुबहान अल्ला और अगर ऑप्शन तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर किसी और को डिफ़ाइन कर दिया होगा वो टेक ओवर कर लेगा देखिए यार ये कौन पागल में रहते चढ़ गया है तो मैं ज़रा इसको मुझसे कहने लगा अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप कितने सिंसियर हैं अपने इस मकसद में मैंने उनसे कहा कि जी मैं समझता हूँ कि मेरा मिशन विजन किसी आदमी का हो नहीं सकता जब तक कि वो अपना आप अपने औलाद अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार था तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ और मैंने कहा जब मैं कार्डियक सर बना रहा था जिस वक्त 1995 में तो उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी मेरा एक बेटा था एक साल का और मैं एक किराए के घर में रहता था मेरे पास सुजुकी एफएक्स एफ गाड़ी होती थी पुरानी तो जैसे हर औरत की ख्वाहिश होती है कि जे मेरे घर पर सर, सर पे छत हो तो मैं वाइफी कहती रहती है कोई घर घूना चाहिए करना चाहिए तो उसमें होता रहता था मैं कहता कि भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं कि जिनको वो नहीं मिलता फर, फर्श पे सो फुटपाथ पर सोते हैं कुछ को ये नहीं होता तो ये बहस वबाशा होते मैंने कहा हो जाएगा वो कहें कि अभी यहाँ चले जाएँ वहाँ चले जाएँ लेकिन मैंने उनको कन्विंस करता रहा और मैं उनको ज़्यादा आगे नहीं ले क्या और फिर हमने एक जगह कर ली एक घर का तो मैंने इस हद तक चलता रहा और मैंने घर नहीं लिया ना ले सकता था वो ना चले जाते हैं सऊदी अरब चले जाते हैं जब तक बन जाएगा मैंने उसको कहा कि नहीं अभी नहीं हो सकता कभी ऐसा भी हो चले इंग्लैंड चले जाते हैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं और जब मैंने फेलोशिप कर लेती थी या करने वाला था तो मुझे मेरे उस्ताद थे एक सज्जन मुश्ताक जो कि खान चले गए थे सिविल से उन्होंने मुझे कहा कि आ खान में कड़े एक सर्जरी शुरू हुई है तुम यहाँ आ जाओ तो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया मैंने कहा जी नहीं मुझे अपना वार्ड बनाना है सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है सिविल हॉस्पिटल में ये होगा मैंने कहा नहीं सर मैं चांस तो लूँगा एक दफा मैं चांस लूँगा ज़रूर तो मैं अपना इसी तरह गुजारा करता रहा और अलहमद तब उन्होंने जब ये बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि मैं दस करोड़ रुपये ये बीस मिनट के कन्वर्सेशन के अंदर ये हो गया कि दस करोड़ रुपये वो ये बिजनेस मैन थे बिजनेस मैन थे ज्वेलरी का काम उनकी फैक्ट्री थी बाहर जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने कहा कि फिर मैंने निकला मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया मैंने कहा यार इंडस्ट बन गया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे उन्होंने कहा यार तुम यहाँ आओ तो सही ना ठेकेदार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है जिसको तुमने दस लाख रुपये देते मैंने फिर उनको कहा और हमारा फिर उसके बाद पैंतीस करोड़ रुपए लगा अच्छा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो गई और फिर मई में शुरू किया था जैसे मैंने बताया अक्टूबर में जलसला आ गया था <laughs> तो हम लोग वहाँ पर चले गए मेरी पूरी टीम वहाँ चले गई मैं सप्लाई चेन का कर काम करता था यहाँ से वो कहते थे ये भेज दो ये दवाइयाँ चाहिए थिएटर की टेबल भेज दो फिर हमने एक फील्ड हॉस्पिटल वहाँ बनाया कंटेनर्स के अंदर एक साल हम वहीं रहे और एक साल के बाद फिर अक्टूबर में हम वापस आए 2006 में 2007 में डेढ़ सौ बेड से हमने कराची से शुरू किए अच्छा और जब शुरू कर रहे थे जैसे इंसाब ने कहा नाइन्टी लोगों ने यही कहा था कि जी आप ये चल नहीं सकेगा और आप जो है ना इसको आपको पैसे लेना पड़ेंगे किसी ने एक महीना दिया किसी ने छः माह दिया किसी ने साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे आज हम पंद्रहवें साल में दाखिल हो चुके हैं किसी एक मरीज़ को पैसे ना होने की वजह से वापस नहीं भेजा गया और हमारी ग्रोथ जो एक हस्पताल से हम चौदह हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में अच्छा उस ज़माने में हमारा जब मैं करता तो लोग ये भी कहते थे कि यार ये या आपका काम तो है नहीं हेल्थ एजुकेशन हुकूमत का काम है तो दो में पाकिस्तान को बने हुए साठ साल हो चुके थे मैं कहता था कि जी पाकिस्तान को बने हुए साठ साल हो गए हैं सिविल सोसाइटी ने अपोजिशन ने सब ने हड़तालें भी हुई हैं तोड़फोड़ भी हुई है, है एजुटेशन भी हुआ है लेकिन कभी फ़र्क नहीं पड़ा है आपने कहा कि जी हम एक ऐसा पैरल निज़ाम खड़ा करते हैं कि जहाँ पॉलिसी मेकर आपसे बात करेगा <laughs> और सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि जब अल्लाह के पास पहुँचना है तो अल्लाह ताल ने मुझसे हुकूमतों के बारे में नहीं पूछना सवाल करना अल्लाह ने कहना है कि भाई तुमने क्या किया hmm. तो एटलीस्ट हम ये सुरखरू हो गए कह सकते थे हमने ये कर दिया तो और जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी मेकर आपसे बात करेगा विद इन दर दो साल में हमारे पास गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया आप हमारे हॉस्पिटल ले लें लेकिन उनकी शराइ पर मैंने उनसे कहा था कि नहीं हॉस्पिटल अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास होगी और हम के नहीं माने दो तीन साल बाद कोई एक एम मेरे एक मेरे बोर्ड के डायरेक्टर को जहाज़ में मिल गया उन्होंने कहा एक बारी डॉक्टर बारी से कहें कि वो उनकी शराइ पे हम हॉस्पिटल देने के लिए तैयार हैं और पहला हॉस्पिटल हमने वहाँ पर लिया कराची सिंध में बदीन का जो कि जिसकी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास थी अभी तकरीबन फोटीन हॉस्पिटल्स कराची वाला निकाल कर और कहाँ कहाँ हैं आप लोग देखें बदीन का डी एच हॉस्पिटल फिर उसके बाद हमको पंजाब गवर्नमेंट ने हमको अप्रोच किया था ये मुजफ़्फ़रगढ़ में एक हॉस्पिटल बनाया था टर्किश गवर्नमेंट ने तेब हॉस्पिटल जो कि फ्लड अफेक्टीज ऑफ ऑफ़ 2010-2011 के लिए उन्होंने कॉलोनीज बनाई और हॉस्पिटल भी बनाया तो हम जब लाहौर के लिए ज़मीन लेने के चक्कर में थे तो हमारे कुछ दो तो ट्रस्टी से मियाँ अहसन और वो इकबाल कशी साहब वो लोग जाके उनके पास गए अपने हेल्थ चीफ मिनिस्टर के पास कि ज़मीन की बात करें राइट right. तो उन्होंने उसको कहा कि जो है ना वो ज़मीन तो बाद में करूँगा पहले ये हस्पताल आप चला के दिखाएं मुजफ्फरगढ़ वाला उन्होंने मुझे फ़ोन किया मदीना से मियासन ने कि इस तरह हैं फिर आप जाके देखें मैं फिर जाके देखा अपने काम चला लेते हैं और फिर उसके बाद अप्रैल में हमको मिला हमने जून में उसको ऑपरेशन कर दिया और फिर उसके बाद वो इतना अच्छा चला कि उन्होंने कहा कि अब दूसरा हॉस्पिटल ले लें फिर उसके बाद लाहौर में 100-100 बेड के पांच हॉस्पिटल हम चला रहे हैं बेदिया रायन मनावा काना सब्जार फिर उन्होंने कहा कि आप मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज़ जो दो साल से तैयार था चल नहीं रहा है आप ले लें वो हमने चला लिया आज हमने ट्रांसप्लांट पिछले साल ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिया उसमें अच्छा किडनी ट्रांसप्लांट फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए ब्लड सेंटर्स के ऊपर रीजनल ब्लड सेंटर्स हमने मुल्तान में और फिर भावलपुर का फिर जाम शुरू कर लिया फिर हमने प्राइमरी हेल्थ पे काम शुरू किया टीबी में मलेरिया कंट्रोल के अंदर ग्लोबल फंड के साथ इस वक्त हमारे कोई 51 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस है कम्युनिटी इंगेजमेंट है कम्युनिटी हेल्थ है प्रिवेंटिव हेल्थ है प्राइमरी हेल्थ की क्लिनिक्स हैं मोबाइल क्लिनिक्स हैं फिर उसके बाद एक हमारी जो लेटेस्ट पिछले साल जो हमने दो साल हो गए 2020 के नवंबर में हमने पहली बोट लेने के स्मूथ में शुरू की जो कि इंडस रिवर के ऊपर ये जो रुझान राजनपुर का इलाका है सदन पंजाब जो कच्चे का इलाका है जहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ वो, sort of, uh, वो वाले हाँ जो है ना अपने डकॉइट्स दकौ, होते हैं वो छोटू right. रहमान पत्नी को छोटू गैंग और वो भी जहाँ के आप, आपकी ये सिक्योरिटी एजेंसीज भी नहीं जा सकती हैं तो हमने पहली बोट क्लिनिक वहाँ शुरू की और उस वक्त हमको सिक्योरिटी वही लोग देते हैं अच्छा क्योंकि पहली दफ़ा सत्तर साल में उन्होंने मैं डॉक्टर की शक्ल देखी है फर्स्ट टाइम तो जब आप दे रहे हैं उनको वो कर रहे हैं फिर अभी हमने उसमें एक बोट एम्बुलेंस शुरू की है क्योंकि ये तो बोट चलती है स्लो स्पीड से कभी एमरजेंसी हो तो हम वहाँ से मूव कर सकें तो ये चीज़ें चल रही हैं मलेरिया कंट्रोल का हम पूरा के पी के और बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्स को हम देख रहे हैं तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ आई आस्क यू द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल अक्रॉस जो इंडस का नेटवर्क अब बन चुका है उसके अंदर कितने कोई लोग आपके देखिए हमारे ने? कोई तकरीबन दस हज़ार से ज़्यादा एम्प्लॉज हैं जो कि पूरे uh, तो आप समझिए कि आप दस हज़ार फैमिलीज को उसके अलावा वॉल्टियर अलग आते हैं Right. हमारे कोई तकरीबन सब्जे कि इस वक्त पूरे नेटवर्क में हम कोई साढ़े चार से पाँच लाख मरीज़ महाना बेनिफिट करते हैं हमारे सिस्टम के साथ right. और हाई एंड काम होता है ज़ीरो से लेकर मतलब सिंपल नजला जुकाम से लेकर

राइट सॉफ्टवेयर खुद बनाया मेरी पहली हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की थी अच्छा उनको मैंने एक कमरे में बंद किया डॉक्टर्स को बिठाया कि जो आप चाहते हैं इनसे बनवा लें hmm. तो इट्स अ कॉम्बो कॉम्बिनेशन टीम तो ये मैं ऑफ द शेल्फ लेके आता है डॉक्टर कहते ये सही नहीं है वो सही नहीं है जो उन्होंने कहा इन्होंने बना दिया right. डॉक्टर्स फ्रेंडली है वो खुद चलाते हैं एक्सक्यूज oh, कोई नहीं हो सकता कोई, कोई अगर नहीं मसला आ रहा है तो उसको कोई मसला नहीं है उनका तज्ब है वो दूसरा ये कैश लेस दर इज नो कैश काउंटर Okay. और ये हमारी कोल वैल्यू है मैं जब शहबाज शरीफ साहब से मिला था पहले मुजफ्फरगढ़ हॉस्पिटल उन्हें कह इतना खूबसूरत हॉस्पिटल है जो पे कर सकता है आप उसको चार्ज करें जो नहीं कर सकता उसको फ्री करें हुँ. तो मैंने उसको एब्रप्टली कहा एक बड़ी महफिल के अंदर सर दे लुक फॉर अदर पार्टनर क्योंकि हम लोग ये कर इसलिए हैं कि यहाँ पर अगर मैं डॉलर अ डे इनकम के ऊपर रखूँ तो थर्टी थ्री परसेंट ऑफ पॉपुलेशन लिव बिलो पॉवर्टी लाइन अगर दो डॉलर पर करो तो ये फिफ्टी टू परसेंट हो जाती है जब ये हालात है जिनके पास अस्पताल पहुँचने के लिए किराए की चीज़ नहीं होती बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनको अपॉइंटमेंट देते हैं वो अपॉइंटमेंट पर आते नहीं हैं डॉक्टर भी इरीटेट होता है कि तुमने एक स्लॉट ज़ाया कर दी कभी उस जब आता है तो उसको कहते हैं कि तुमने ये मिस कर दिया वो कर दिया तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। वो सुनता है बेचारा लेकिन आखिर में एक बात करते हैं डॉक्टर साहब मैं क्या करता

वो गवर्नमेंट उनकी फंड प्रोवाइड करती है राइट right. उसके अलावा हमारे सारे प्रोग्राम जो है ना वो डोनेशन से चलते हैं राइट right. तो मैंने कहा वो लोग जो कहते थे कि एक साल में पैसे लेना शुरू कर देंगे तो उस पर हमारा बजट दस करोड़ रुपया था और एक हॉस्पिटल था डेढ़ बेड का हाँ। आज चौदह हॉस्पिटल चार रिहेबलीटेशन सेंटर चार ब्लड सेंटर्स और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स जो कि समझेगा पाँच साढ़े चार पाँच लाख मरीज माहाना ट्रीट हो रहे हैं और बजट जो दस करोड़ उससे आज चौंतीस अरब रुपए का बजट है चौंतीस ट्वेंटी फोर बिलियन रुपये पर एनम wow. ये मैं सिर्फ ओपेक्स तो की बात कर रहा हूँ अच्छा कैपेक्स अलग है एक्सपेंशन अलग है राइट right. तो और ये सब डोनेशन से होता है hmm. डोनेशन है ज़कात है और मैं जब बाहर क्योंकि हमने अब रजिस्टर्ड चैरिटी हमारी यूके में भी है यूएस में भी है ऑस्ट्रेलिया में भी है कैनेडे में भी है यू में भी है अभी हमारी स्विट्ज़रलैंड में भी हो गई है जर्मनी में होने वाली है तो जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो है ना आपको हमेशा पाकिस्तान से जो है ना बुरी खबरें आ रही होती हैं करप्शन है सिवरेज में पानी नहीं आ रहा है बिजली इतने घंटे आती है उतने घंटे गायब होती है लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ और अच्छी खबर यह है कि जो मेरा बजट है इसका नाइन्टी परसेंट पाकिस्तान से रेज होता है mm. और टेन परसेंट आपसे होता है मैंने कहा कम से कम ये तो कर लो कि फिफ्टी फिफ्टी की बात कर लो यार याराइट <laughs> <laughs> right, तो अभी आप लोग एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं आई बिलीव इन लाहौर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि एक्सपेंशन एंड फ्यूचर के अंदर व्हाट आर द एरियाज जो आप देख रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि ग्रोथ आएगी देखिए हमारा जो कराची जैसे फॉर्चुनेटली हमारे बीस एकड़ जगह थी और विद इन मंथ्स समय अंदाज़ा हो गया था कि डेढ़ बेड जो है वो काफ़ी नहीं है ढाई करोड़ की आबादी है कराची की जिसमें कोई पाँच छः मुल्क समा जाते हैं तो हमें अंदाजा था कि फ़ौरन ये हो जाएगा फिर तीन सौ बेड किया फिर हमारा पूरा मास्टर प्लान बनाया जिसको हमने सिंगापुर की कंपनी ने बनाया उसकी जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन उन्होंने किया पेडी डिडी डिज़ाइन यहाँ पर हुई वो तकरीबन साढ़े तेरह सौ बेड पर हम लेके जा रहे हैं कराची वाले कराची वाले को ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया अब उसको फिनिश करना है थर्टी फोर बिलियन का प्रोजेक्ट था जिसमें से फिफ्टीन बिलियन अब हमको चाहिए रह गया बाकी यह है कि उसमें मज़ीद अट्ठारह सौ बेड तक जा सकते हैं लाहौर में हमने एक छः सौ बेड का हॉस्पिटल जो है ना उसका स्ट्रक्चरल कम्प्लीट हो चुका है फिनिशिंग हो रही है हंड्रेड बेड ऑपरेशनल हो गए हैं और इन शह जो है ना अब अब अगले साल तक उसको तीन सौ बेड पर ले जाएंगे और पच्चीस तारीख टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक वो छः सौ बेड कम्प्लीट हो जाएंगे इन शाला ट्वेंटी uh, ट्वेंटी फाइव तक तीन, तीन साल में तकरीबन रफ um, किस जगह पर लाहौर में है ये लाहौर में जुबली टाउन है वो जो डायमंड रोड के ऊपर है वहाँ पर है राइट एंड इसमें इंडस नेटवर्क में आपने यू टॉक्ट अबाउट पब्लिक हेल्थ एंड मलेरिया कंट्रोल एंड लॉट ऑफ़ दोस वेल एंड आई नो कि आप गैस प्रायमरि बिकॉज आपकी वो इंडिजनस आई टी टेक्टीम है तो यू नो आई नो देिटिक्स वेल एंड बिल्कुल एंड रेली फिगरिंग आउट के प्रियमटिव मेडिसिन में क्या काम हो सकता है थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताएं डेफिनेटली हमारा जो है ना हमने इससे पेपरलेस करने सेफ यू से नहीं था एक तो बड़ी बात ये होती है कि आपकी स्टोरेज खत्म हो जाती है ना कि आपको बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं जहाँ पर जो आपके स्टोर पड़ा हो कब तक रखें उसको यहाँ तो अब एक सॉफ्टवेयर में है आप यहाँ भी अपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप क्लाउड पे रख दें ठीक है ना तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन डेट दूसरी बात यह कि जब हमारा मरीज जो है ना जिस किस्म का है ना वो जब दूसरी जगह विजिट पर आता है तो कोई चीज़ साथ नहीं लेता वो गुम गई बस में रह गई इधर रह गई और अगर खुदा खुदा ले कर भी आ जाए तो वो उसके एक्सरे को मोड़ तोड़ के लगा होता है जब आप खोलें तो उसमें आपको चाय के निशान भी पड़े होते हैं घी के निशान भी पड़े होते हैं तो उसको पड़ पढ़ तो कुछ सकता नहीं है यहाँ तो क्लिक ऑफ द बटन आपने नंबर डाला और उसके बाद थर्ड और तो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड आ गया अब जो पहले दिन मरीज़ आया तो उसका रिकॉर्ड आ जाता है मेरे पास मुझे ना कोई डिलीट करना है ना कुछ करना है आईका आरकाई मैं कर सकता हूँ उस चीज़ों को और फिर जब मरीज़ आता है तो उसके लिए वो जा है उस पहले तो ये पहले से उनका हो फिर वहाँ जाके उसके स्टोर्स निकाल के ले तो वो नहीं करना पड़ता आपको दूसरी अहम बात ये थी कि आप हमने डे वन से अपना एक रिसर्च सेंटर बनाया हुआ था इंडस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हम रिसर्च करते हैं हम डेटा एनालाइज करके हम देखते हैं कि हमारी कैचमेंट एरिया क्या है हमको क्या करना है हमें बहुत चीज़ें अंदाजा हो गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पहले एक केयर हॉस्पिटल क्योंकि जो हम फाउंडर्स में से थे एक कार्डियक सर्जन एक यूरोजिस्ट एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक एनेस्ट्रेटिस्ट ये तो टैशी केयर के जानते हैं बात को लेकिन डेटा एनालाइज किया तो हमारा क्या हमारा सारा जो पेशेंट है उसमें सेवेंटी परसेंट पेशेंट तो वो है जिसको पब्लिक प्राइमरी हेल्थ चाहिए तो आई शुड ही कम टू तो हॉस्पिटल हम फ्री तो कर रहे हैं लेकिन वो जहाँ से उठ के आ रहा है उतना पैसा तो उसके मोहल्ले के डॉक्टर से करा ले तो वहीं हो जाएगा उसका लेकिन उसका अहतमान नहीं है उसके ऊपर तो अब हम उसको प्राइमरी केयर को उदर डोर स्टेप पर ले जाए अच्छा और फिर वहाँ से वहाँ से उसको फिर यहाँ लेके आए अगर ज़रूरत है तो राइट सो स्टेप इट्स डिजिटल लाइक एप्स के थ्रू या वो भी इट ऑल डिपेंड्स कि कहां जा रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स ह्यूमन रिसोर्स कहां पर है तो आप डिजिटल uh, हेल्थ के ऊपर भी जाना है उसके लिए mm. फिर अपनी जो डेटा के ऊपर आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है आपको किस चीज़ पे ज़्यादा इंपैक्ट करना है आपका लोड किस चीज़ का ज़्यादा है देखिए आप जब तक तो कम्युनिटी से इन्वॉल्व नहीं होंगे जब हम जहां कम्युनिटी में जाते हैं पहले काम ये करते हैं कि हमारी वहां पर स्टडी होती है हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं कम्युनिटी की जरूरियात को समझते हैं हर जगह की एक डिज़ीज़ पैटर्न नहीं हो सकता है और बहुत साइड के ऊपर जैसे अब हम बदीन के इलाके में स्नैक बाइट बहुत है तो अब आपने एनालाइज कर लिया कि जी वहाँ पर स्नैक बाइट है स्नैक बाइट हो गया आपने एंटी स्नक वैनम शॉर्टेज भी होती है उसको लगा भी दिया है तो बहुत सारे लोग उससे किडनी फेलियर हो जाता है उस, उस तरफ चले जाते हैं कॉम्प्लिकेशन को कैसे बचाना है तो हमने जब देखा डेटा से हमें लगा कि नाइन्टी फाइव परसेंट जो जो वो है आपका स्नैक बाइट है वो फुट के एरिया में है और वो इस वजह से कि आपका ये जो जो फार्मर है ये जो लोग हैं ये नंगे पाँव घूम रहे होते हैं अब सिंपल सी और इसके बाद जब अगर ये हो जाए तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो एक इसके ऊपर मेरा लाखों खर्च हो जाता है रिल फेलियर में चले जाए तो वो डायलिसिस लाइफ लॉन्ग डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाएगा hmm. ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ये तो मल्टी मिलियन खर्च है अगर मैं उसको लॉन्ग बूट पहना दूँ जब वो खेतों में जाए वो पहन के जाए तो कटेगा नहीं hmm. जब स्नेक बाइट नहीं होगा तो मुझे ही नहीं होगा ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी right. तो इसी तरह डायबिटिक्स है हाइपरटेंसिव है, है, है उनको अगर हम कंट्रोल में रखेंगे hmm. तो हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं जो कि आपकी हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं आइस चली जाती हैं लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं आपको स्ट्रोक्स हो जाते हैं इसका इकनॉमिक लॉस इतना ज़्यादा है कि अगर मैं प्रिवेंशन पे लगा दूँ जिसमें पैसे भी कम लग हैं तो वो इट्स बेसिकली आर ओ आई अ डॉलर इज मच मोर देन इन टैर हॉस्पिटल ये बिल्कुल आप बेनिफिट और फाइनेंसिस के हिसाब देखें ये इन्वर्टेड पिरामिड है तो बेस पे जो प्राइमरी केयर है उसमें मैं अगर एक डॉलर लगाऊंगा तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा तयशी केयर पे एक डॉलर लगाऊं तो एक मरीज़ को भी नहीं लगेगा mm. तो इट्स जस्ट लाइक कि आप पैसे जहाँ लगाएं ताकि प्रिवेंटिव साइड भी हो जब मैं कैजुलटी बना रहा था सिविल हॉस्पिटल की नाइनटीन वे बैक इन नाइनटीन एटी उस वक्त जब डोनेशन की बात हो रही थी तो एक साहब मुझे मिले उन्होंने कहा कि अब मैं हॉलैंड से तुमको पूरा पूरा हस्पताल डोनेट करा सकता हूँ भाई क्यों वो क्या बात है वो नया बना रहे हैं उन्होंने कहा नहीं वहाँ अस्पताल बंद हो रहे हैं एटी सिक्स में क्योंकि मरीज नहीं है उनके पास अच्छा उनको अब वो निज़ाम तो, ऐसा कर चुके हैं उन्हें ऐसा निज़ाम किया है प्रिवेंटिव साइड के ऊपर देखें ना जब ये है अगर जो ताजमहल बना जिस मलका के लिए और उसी ज़माने में स्वीडन की मलका मरी थी दोनों दोनों की डेथ हुई चाइल्ड बर्थ में राइट right. स्वीडन के जो बादशाह था उसने बनाया स्कूल ऑफ मिडाइफ्री उस वक्त आज उसकी बेटर मोटेलिटी है जीरो पर हंड्रेड थाउजेंड और हमारे साहब बहादुर ने बना दिया ताजमहल आज हम दो सौ पचास बेटर मोटेलिटी है पर हंड्रेड थाउजेंड चार सौ तक चली जाती है hmm. एक आदमी का विजनरी फैसला पूरे नेशन को बदल दिया mm -hmm. तो बात यह है कि उन्होंने एक उन्होंने प्रिवेंटिव साइड पर हुआ काम किया आज उनके पास मरीज आज उनको ज़्यादा चाहिए वो ओल्ड कॉम्प्लिकेशन के लिए जगह चाहिए ओल्ड होम चाहिए mm -hmm. तो हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं राइट अच्छा सो थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को एक्सपेंड करूँगा you know, आपकी जो जर्नी है वो uh, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है इस वजह से है बिकॉज यू अ लॉट ऑफ Um, पहले तो ये कि फिलानथरेपी इज इज़ अ सेपरेट थिंग एक्सपर्टीज़ इन अ फील्ड इज सेपरेट थिंग आपने दोनों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मिक्स किया यू नो यू अंडरस्टैंड हेल्थ केयर डायरेक्टली यू वर्क देयर प्रॉब्ली यू वर्क देयर इवन नाउ और उसी के साथ साथ फिलानथरेपी इज समथिंग जो कि उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करती है बट मोर इम्पोर्टेंटली काफ़ी लोगों का ये होता है कि वेन देयर डूइंग अ प्रोजेक्ट इट्स अ सिंगुलर प्रोजेक्ट एंड सो इवन दो देर स्टोरी इज अमेजिंग द क्वेश्चन रिमेंस के कैन इट बी स्केल्ड राइट right, कि क्या मैं उस मॉडल को लेकर उस तरह के दस और खड़े कर सकता हूँ या नहीं खड़ा कर सकता आपके केस में हमने यह देखा कि कराची का मॉडल 14 और हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट uh, हुआ और उससे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं फिर उसी के साथ साथ आपने उसका एक डेटा ड्रिवन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड उस साइट के ऊपर भी आप एक्सपेंड करके सो उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ सवाल आपसे uh, पूछना चाहूँगा पहला तो मुझे ये बताएं कि वाट इन योर ओपिनियन अगर मैं बड़ा सिंपल सा सवाल करूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वन ऑफ द रीज़न्ज वाई वट वट वाट इन योर ओपिनियन इज़ द रीज़न के हमारा हेल्थ केयर प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द रीजनज एंड वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड ओवरऑल क्या आपको वजह उसकी मेजर लगती है कि हम उस तरह से नहीं बना सके हालांकि सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड फ्राम पाकिस्तान बड़े सारे डॉक्टर्स का पिछले दिनों आई फाउंड थ्रू माई इंस्टाग्राम दिस वोमन हु इज़ इन एक्ट ऑक्सफोर्ड पी एच डी पाकिस्तानी है यू नो कैंसर रिसर्च पर वो काम कर रही हैं कोविड वैक्सीन के ऊपर देवर है फ्राम पाकिस्तान पर पाकिस्तान में हम निज़ाम नहीं खड़ा कर सके एक ऐसे हेल्थ केयर का जो कि इंक्रमेंटली बेहतर हो रहा हो ईयर ऑन ईयर वाई ड्यू थिंक दैट इज़ देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि एक प्रायरिटी नहीं रखी है जब आप चीज़ को प्रायोरिटी नहीं रखते देखिए यही हेल्थ केयर सिस्टम एजुकेशन सिस्टम मुझे आज का आज से मुझे अपना बचपन याद है बचपन में हमारा जो फैमिली फिजिशियन होता था जो डॉक्टर होता था वो सिर्फ आपका इलाज नहीं करता था वो आपका ख़ानदान के मसाइल भी हल करता था वो आप जब जाते थे तो आपकी नानी दादी का भी पूछता था आपका लोग जब रिश्ते करते थे उससे भी मशवरा करते थे वो इतना क्लोज होता था उस निज़ाम से हम निकल चले गए हमने पहले प्राइवेट हॉस्पिटल तो होते नहीं थे सारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल थे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जब देखें आपको जो है ना अपनी एक प्लानिंग होती है देखिए हमारे निज़ाम को लोगों ने देख के जैसे आपने सुना है कि महबूब हक का फाइव ईयर प्लान कुरिया ले गया कुरिया कहाँ पहुँच गया हमने उसको नहीं किया हमने प्रायोरिटी नहीं की जब आप हेल्थ के बजट को 1.2 परसेंट या पॉइंट सिक्स परसेंट या पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ जीडीपी डी पी देखेंगे नहीं। 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 जो कि वर्स्ट है इस दुनिया में के अंदर तो हाउ कैन यू हैव इट रियलिस्टिकली अगर आप जो है ना एक अच्छे निज़ाम को देंगे देखें आपको मलेशिया में जब क्राइसिस आया था इकनॉमिक डाउन आया उन्होंने सब कुछ खत्म किया लेकिन उन्होंने उस्तादों की तनख्वाही बढ़ा दी टीचर्स बनाते हैं हेल्थ केयर आपकी सेहत देता है साइड के ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरली अगर आपका देखा ना आपका बड़ा मजबूत निज़ाम है यू हैव लेडी हेल्थ वर्कर्स यू हैव बी एच आर एच सी और फिर उसके बाद डी एच यूज फिर डी एच क्यू फिर टरी टीचिंगयर हॉस्पिटल लेकिन ये एक मरबूत निज़ाम के साथ तय नहीं है अब ये बी एच यू का मरीज भी तशरी केयर हॉस्पिटल में जाता है यहाँ पर आप अच्छे निज़ाम में जब तक जी पी आपका यू के में एक कंसल्टेंट हॉस्पिटल का वो अपने अपने किसी का इलाज नहीं करवा सकता अपने हस्पताल में जहाँ का वो मेडिकल डायरेक्टर भी हो जब तक के जीपी उसको रेफ़र ना करे राइट right. क्योंकि वो समझता है कि इसकी ज़रूरत है उसको वहाँ जाने की नहीं क्योंकि देखें यहाँ का खर्च एक मरीज़ के ऊपर यहाँ के खर्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो आप रिसोर्स नहीं देंगे आप किसी को तनख्वाह नहीं देंगे आप टाइमिंग नाइन टू टू जॉब कोई नहीं हो सकती हॉस्पिटल नाइनटी टू जॉब से नहीं चल सकते नाइन टू फाइव वाले हॉस्पिटल दुनिया में हर जगह होते हैं और उसके बाद आप उसको इतना पे करें कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें अब ये उसको पे ना करें फिर आप वो फिर या तो वहाँ पर डंडी मारेगा या फिर उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा दो निज़ाम इस तरह नहीं चल सकते राइट तो वो उसको आपको एक तो बोझ करना है फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप ये ये प्रोफेशन जो है ना मसिया है एक जिसके अंदर आप लोगों के साथ वो करते हैं और घर पे आपके पेट में पेट में अगर बच्चों के पेट में खाना नहीं होगा तो उसने तो कहीं से ले कर आना है ठीक है वो किसी तरीके से करेगा तो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग को आप सही करें अकाउंटेबिलिटी रखें तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं उसके अलावा कोई हम भी चलाते ही हैं ना राइट right. हम किसी दौर प्लेनेट से नहीं आए हुए हैं यहीं से आए हुए हैं हमने एनालाइज कर लिया तो हमने जब देखा शुरू में कि हमने एनालिस ये किया कि एक एक अच्छा कंसल्टेंट जो जिसका अपना घर नहीं हो किराए पे घर लेना पड़े उसके बच्चे स्कूल गोइंग हो और वो अपने बच्चों को उन्हीं अपने पीएस के बच्चों के साथ पढ़ा सके वो हाँ ना पढ़वाए उसकी मर्जी है हुँ. लेकिन उसके बाद एक सही व्हीकल हो जो के साथ चलती भी गाड़ी जो अच्छी आप पहुँचा सके घर में सुकून हो कुछ सेविंग भी उसकी हो जाए तो कितना बनता है हमने उस वक्त दो हज़ार सात में एक आध ये दो लाख रुपए बनता है कि स्कूल में अच्छे स्कूल ग्रामर में बच्चा भी पढ़ सकता है अपने डिफेंस में घर भी ले सकता है किराया के ऊपर अपना ना भी हो उसका सेविंग भी हो जाएगी एक वक्त उसका बन जाएगा जितना आप ग्रो करते हैं आपके साथ वो हो जाता है सारा चीज़ें घर में सुकून है घर से जब निकलेगा सुकून से जाएगा अपना काम करेगा और फिर उसके बाद अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे शाम पाँच बजे के बाद इज़ अलाउड टू डू देट लेकिन अपना जो टाइम उसने देना है उसको आपको देखना है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में आपको पता ही भी है ग्यारह बजे बारह बजे आए और एक बजे चले जाएँ नहीं भी आए कोई पूछने वाला नहीं है नहीं। क्योंकि उन ये उन लोगों का इलाज करते हैं जो मैटर करते हैं उनको भी आई ट्रीटमेंट देते हैं जो मैटर करते हैं आवाम तो देखें ना आपका वो रोड जहाँ से आपका वी पी गुजरता है वहाँ आपको खड़े नहीं मिलते आप उन रोड पे होते जहाँ मुझसे वो गुजरते नहीं हैं अगर हमारे अरबाब इख्तियार अपने बच्चों का इलाज और अपने बच्चों की तालीम पब्लिक सेक्टर में करते तो आज ये हाल नहीं होता ये सब लोग आज से कुछ अर्से पहले तक ये सारे लोग सिविल अस्पताल में जिना अस्पताल में प्राइवेट बैंक होते थे वहाँ इलाज होते थे क्योंकि सबसे अच्छे डॉक्टर वहीं होते थे लेकिन हमने उनके लिए ऐसे जराए पैदा कर दिए कि वो वहाँ जा काम करने लगे उनके लिए ऐसे मसाइल खड़े कर दिए सब गवर्नमेंट स्कूल नंबर वन गवर्नमेंट स्कूल नंबर टू वहाँ से बने हुए सब हाँ ब्यूरोट बन गए सारे कुछ हो गए हाँ। लेकिन जहाँ आपने गैप क्रिएट करना शुरू किया वैक्यूम क्रिएट करना शुरू किया गया किसी ने तो उसको बढ़ना है hmm. हमारे मुल्क में अच्छी बात ये थी कि दो लोगों ने भरा एक प्राइवेट सेक्टर ने भरा दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ने भरा hmm. क्योंकि वो तो एक उनकी एक टारगेट पॉपुलेशन डिफरेंट थी लेकिन किसी और के लिए जिस जो कि पब्लिक सेक्टर में जाता था पहले सब लोग पब्लिक सेक्टर में जाते थे अब ये है कि पब्लिक सेक्टर में वो जाता है जो कि जिसके पास कुछ नहीं है और वो उसको कैटर नहीं कर सकता इसलिए ज़रूरत पड़ी तो नॉट फॉर प्रॉफिट ग्रो किया क्योंकि उसने देखा कि बहुत गरीब तरीन है तो वो तो चला गया ये पब्लिक सेक्टर में गया पब्लिक सेक्टर में लाइनें बढ़ गई अब क्या करें कि वो वहाँ से इंटीरियर से आ रहा है वो यहाँ आके रह रहा है फुटपाथों पर लेट रहा है जो हमारी अच्छी बात यह थी पाकिस्तानी कॉम बहुत एक डिफरेंट कॉम है उसमें टैक्सेस नहीं देंगे लेकिन चैरिटी करेंगे अच्छा वो अगर स्टेट डिलीवर कर रही होती तो टैक्सेस भी तो टैक्सेस भी देते हैं क्योंकि जब पता है जब टैक्सी कहाँ कहाँ जा रहे हैं कोई सवाल नहीं है तो इस वजह से नहीं देते आई थिंक चैरिटी की वॉल्यूम देखकर ये रियलाइजेशन होती है कि देने का मसला तो था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस कभी भी नहीं था मसला जो है वो है कि ट्रस्ट इट्स ट्रस्ट काफेटर था मुझे है। भी देंगे पैसे हाँ। मुझे देते हैं हमें, दे, हमें देते हैं और मेरे हमको नहीं जब सारी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सब चल रही हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आते हैं उनके एनी साहब के एम्बुलेंस सिस्टम को देख लें अखवत को देख लें है, इंडस है, पेशेंट फाउंडेशन वगैरह ये सारे हैं hmm. और ये सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि ये डिलीवर कर रहे हैं राइट right. और जब डिलीवर कोई भी करेगा वो उसको ग्रो करेगा राइट right. uh, दूसरा आपने uh, इसमें फाइनेंसिंग की बात की कि फाइनेंसिंग जो है वो तरीके से स्मार्ट तरीके से हो सकती है आई लाइक टू गेट योर ओपिनियन ऑन दी असेंशली द यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो सेहत इंसाफ कार्ड के नाम से ये के में मे उन्होंने पहले लॉन्च किया और अब कह रहे हैं कि पूरे पंजाब में लेकर आ रहे हैं वोट इन इंडस्ट्री क्या होगा एक तो यह है कि एटलीस्ट कोई एक डायरेक्शन पर जा रहे हैं किसी चीज़ पर जिसके और हमेशा जो भी नया होगा उसमें शुरू में मसाइल आएंगे right. शुरू में वो उसमें परफेक्शन नहीं होगी राइट right. विध टाइम लर्निंग होती है आपकी आप उसकी ट्विकिंग करते हैं जो ना इसके बैकग्राउंड में ये है कि अगर ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आ जाए गवर्नमेंट जब हो तो प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिवाइज होता है को कहे कि मैं हॉस्पिटल बनाऊं क्योंकि मेरे पास एक नोन इनकम का पता है कि जी ये ये सेक्टर मौजूद है जहाँ से मुझे इनकम आएगा अब उसको आ, कितना ठीक करना है जो पैकेजेस हैं वो क्या इस वायबल है तो ये जो बिजनेस करेगा तो उसको बिजनेस करने के लिए उसको कुछ तो उसको प्रॉफिट कमाना होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हंड्रेड परसेंट कमा रहे होगा अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए लोग करते हैं लेकिन जो दूसरा सेक्टर है ना नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है ये चेक एंड बैलेंस ये मार्केट फोर्सेज को चेक करता है क्योंकि सवाल करते हैं ना कि जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते वो क्वालिटी का कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते इसीलिए पब्लिक सेक्टर के लिए भी एक चैलेंज आता है कि वो कहते हैं कि ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते राइट right. ठीक है ना इसमें बेसिकली इससे रॉकेट साइंस नहीं है अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाते हैं और हम इसके तहत चलाते हैं कि जी हम एक मेरा डॉक्टर अगर सौ मरीज़ देखता है तो सौ देख सकता है hmm. मैं पाँच नहीं दिखा सकता hmm. पाँच सौ दिखाने का मतलब है वो क्वालिटी देगा नहीं hmm. उसने तो बस लिखना है टक टकट तो वो दखिल दाखिल होगा उसके उसके एहसास से शक्ल से देगा अगर चार दवाई ले कर दे दी जाओ तो ऐसा नहीं होता तो बात ये कि ये इवॉल्व हो रहा है इवॉल्व होगा इसमें ए, एडिशन डिलीशन होती रहेगी अभी इन पेशेंट के ऊपर है मेरा अपना ख्याल ये है कि प्राइमरी केयर के ऊपर भी इनको कुछ करना चाहिए असल मा, जो माशरा है ना माशरे के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर करप्शन के चांसेस बहुत हो सकते हैं right. लेकिन वो चेक एंड बैलेंसेज लगाने पड़ेंगे और लगाए होंगे डेफिनेटली उन्होंने हर एक ने और ये इवॉल्व करेगा इसमें एक्ट्रिशन्स होंगी इसमें बेहतरी आएगी और जब तक कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर ये कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेगी कि वो भी इस कार्ड को चार्ज कर सके तो गवर्नमेंट को डबल डिपिंग नहीं करनी पड़ेगी ना आप आप फंड भी दे रहे हैं प्रीमियम भी दे रहे हैं हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं है इसको

Uh, अपना इलाज करवाने के लिए तो नाउ यू कैन एक्चुअली बिगेन टू क्रिएट हॉस्पिटल इन अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आपको पता है पॉपुलेशन है उनके पास सेहत कार्ड है और आपको पता है कि वो वहाँ पर क्योंकि अब नाउ द इवन दो इफ द पॉपुलेशन कॉन्ट अफोर्ड इट यू नो दैट कि वो अपना इलाज करवा सकते हैं वहाँ पर एंड सो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि फॉर एक्जाम्पल नॉट फॉर प्रॉफिट्स ऐसे खड़े हो सकते हैं जो कि डिमांड बेसिस के ऊपर जाकर हॉस्पिटल खोल सकते हैं और उनको अब सस्टेनेबिलिटी की टेंशन नहीं होगी असेंशली एज लॉन्ग एज यू हैव इनऑफ पीपल कमिंग इन विद द राइट यू नो चनेटेन अगर अगर ये कि इन पेशेंट नहीं भी है तो दैट्स द ओनली कास्ट दैट यू हैव टू कवर सॉरी आउट पेशेंट नहीं है तो वो कॉस्ट आपने कवर करनी है बट इन पेशेंट आपकी जो है वो सेंचरी गवर्नमेंट जो है वो कवर कर रही है इज़ दैट करेक्ट एक तरीके से तरीक करेक्ट भी है लेकिन उसकी बात अभी एक कैप है ना राइट मिलियन द फैमिली राइट मिलियन द फैमिली अब उसकी कितने हिस्से तक चलती है वो मैं यही कह रहा हूँ कि मिलियन फैमिली कम हो सकती है जब टैसी केयर पर जानी पड़ेगी right. अगर आप उसमें से कुछ हिस्सा प्राइमरी केयर पर लगा दें तो आपकी ये ये अफेक्टिव हो सकती है एफिशिएंट हो सकती है क्योंकि आप उधर जाने ही नहीं दे रहे राइट ठीक है ना किसी को बायपास की ज़रूरत ही ना पड़े uh, जब दवा uh. में ज़रूरत नहीं पड़े दूसरी जो आपने बात कही ना कि प्राइवेट सेक्टर या नॉट फॉर प्रावेट सेक्टर शहर से बाहर रूरल एरियाज भी जगह बनाएगी तो उसमें एक और जो बड़ा फैक्टर है ना वो ये ह्यूमन रिसोर्स का है राइट ठीक है आपको वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलते mm. और डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको नर्सेज नहीं मिलते या पैरामेडिक्स नहीं मिलते उसके लिए आपको जो है ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसमें फिर आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज मच हायर देन दैन दूर द अर्बन एरिया राइट ठीक है ना अब मुझे थर में वही ऑपरेशन मुझे पंद्रह हज़ार का पड़ सकता है जो मैं दस हज़ार में कराची में कर सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रीमियम देना होता है किसी को कि अगर मैं नहीं कराची नहीं। से ले जाऊँ वहाँ पर और फिर दूसरी चीज़ें देखें ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली दिस आपको फिर वहाँ पर, पर दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी ना अगर आप तली निज़ाम बेहतर हो देखें अगर किसी एक डॉक्टर हो या कोई भी अच्छा अब वो हो उसके लिए जो कि अर्बन एरिया में है अगर उसको वहाँ पर बच्चे तालीम नहीं बढ़ लगे या दो तरीके हैं उसको या तो वहाँ निज़ाम अच्छा हो तो वो मूफ कर जाए इसकी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी छोटे इलाके में रहूँ सुकून से रहूँगा शहर की वो हैसल बसल में नहीं आऊँगा उसमें नहीं आऊँगा लेकिन तालीम है दूसरी सूरत में अगर किसी को पैसे की जरूरत तो उसको फिर दो घर चलाने पड़ते हैं एक फैमिली ख़ुद वहाँ रह रहा है रहे रहे, फैमिली यहाँ रह रही है तो वहाँ भी अपने आप को मैनेज करना है घर और यहाँ भी मैनेज करना है फिर उसके बाद को कम्यूटिंग करनी है कि हर दो हफ़्ते बाद अगर हफ्ते बाद नहीं तो दो हफ़्ते बाद आना है वो एडिशनल कॉस्ट उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक था वहाँ पर रूरल एरियाज़ रे में आपकी तनख्वाह कम हो जाती थी राइट right. क्योंकि वो घर वहाँ आपको मिल जाता था वो कैसे आपकी हाउस अलाइंस ख़त्म हो जाता था गो hmm. के वो एड्रेस हो चुका है उन्होंने अब रूल हार्ड एरिया अलाउंस देना शुरू कर दिया है लेकिन फिर भी जो लग्जरी आपको शहर की मिलती है जो शहर का आदि होगा और होता है दूसरा ये होता है कि अब इन्हें तो एक पॉलिसी नहीं है ना उसका तरीका ये है कि यू हायर पीपल ऑन हॉस्पिटल बेस्ड हायरिंग मतलब मैंने हायरिंग की है हुँ. तो मैं शक्कर में एक हॉस्पिटल है या फंड मोहम्मद खान में एक हॉस्पिटल है तो मैं उसकी

तो उसको हॉस्पिटल बेस्ड हायरिंग करें hmm. अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आप नौकरी से फारिग ही हो सकते हैं कहीं और जगह नहीं है आपकी मेक सेंस। सर द वन आवर सिक्स मिनट मार्क एंड आई मैंने बहुत सारी और चीज़ें सवाल पूछने थे पर्टिकुलरली हेल्थ um, की एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहे थे बट आई डोट नो दैट यू हैव अ फ्लाइट टू कैच एज वेल एंड आई डोंट वांट टू कीप यू वेटिंग एक सवाल मैं तमाम गेस्ट से जनरली पूछता हूँ यू नो यू योर योर सिक्सटी इयर्स ओल्ड यू सीन अप्स एंड डाउंस ऑफ पाकिस्तान हेल्थ केयर से हट के भी बहुत ज़्यादा आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स देखे हैं कराची में आप रहे हैं कराची वेंट थ्रू सम ऑफ सम आई मीन हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स इन द नाइनटीज इन टू थाउजेंड वेल ग्रोइंग अप एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस नाव इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सी एंग पाकिस्तान के वो किस तरह किस तरफ है और किस तरफ जा रहा है अट्ठाईस साल बाद दो हज़ार पचास में आप पाकिस्तान कैसा देखते हैं बेस्ड ऑन जब के एक्सपीरियंसिस रहे हैं जिस तरीके से कंट्री इ और द पास का प्लॉट देखिए मैं समझता हूँ कि जी uh, मैं एक तो बैड वेरी ऑप्टमिस्टिक आदमी हूँ मैं पॉजिटिव सोच रखती है और मैं समझता हूँ 2050 में पाकिस्तान एक सेहतमंद और खुशहाल पाकिस्तान होगा इन क्योंकि ए, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं ना जब एक्सपेक्ट पाकिस्तानी जहाँ बैठते होते हैं उनको मुल्क से मोहब्बत बहुत है लेकिन वहाँ ज़्यादातर ये हो रहा था कि अब पाकिस्तान में ये हो गया तबाही हो गई करप्शन है ये पाकिस्तान ज़मीन से नीचे चला गया है सुनता रहता हूँ मैं भी जाके एक दिन मैं तो उनसे बात की थी कि मैंने कहा देखें मैं आपके से अख्तलाफ करता हूँ इस चीज़ के ऊपर और मेरे पास उसके पास पॉइंट्स हैं hmm. देखें एक सेक्टर आपका कामयाब नहीं हुआ या उसमें नाकामी चल रही है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप रियलाइजेशन करना है कि जी इसमें बड़े दिल गुल की चाहिए कि मैं ये कहूँ कि मैं नहीं चला सकता और मैं आपसे चलवा रहा हूँ यू नीड अ करेज कि ये जो है ना आपने पोलटिकल कैपिटल भी लूज करती है ना गवर्नमेंट ये कह कर रहा लेकिन मैं इसको पॉजिटिव तरीके से कहूँ कि मैं समझता हूँ कि ये मुझसे बेहतर चला सकते हैं और आपको बेहतरी मिल सकती है तो ये मेरा फैसला बेहतर फैसला है बदस्बत के मैं स्टिक ही करता रहूँ मैं करता रहूँ जैसे चल रहा है चलने दो तो मैंने कहा कि मैं मैं समझता हूँ पाकिस्तान हाँ उस वक्त होता देखें हेल्थ केयर में अगर ख़राबियाँ आई तो मैं इंडिफरेंट नहीं रहा और मेरे दूसरे साथी और भी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहे एस आई यू टी हो जाए चाहे शौकत खाना हो जाए और बहुत सारे और एल आर बी टी हो जाए ये लोग इंडिफरेंट नहीं रहे ठीक है हमारी बला से चलता रहता कि है कि मजीद ख़राब होना ख़राब होना है मैं अफोर्ड करूँगा मैं बाहर चला जाऊँगा इलाज कराने के लिए तो हमनेट कर कर करके दिया। कर, कर दिया Right. और जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी मेकर आपसे बात करेगा अब मैं हर हर जो भी कमेटी बनती है मुझे बुला लेते हैं क्या आप करें ये हेल्थ ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जब ये टेंडर हो रहा था वो बिल्डिंग मैंने खुलवाई मैंने उसके पास काम किया टास्क फोर्स right. तो ऐसे और बहुत सारे लोगों के उसका देखें उसका काम शायद हर पॉलिसी मेकिंग है लेजिस्लेशन है और मॉनिटरिंग है गवर्नमेंट का काम यह है गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती गवर्नमेंट फैक्ट्रिया नहीं चलाती नहीं। ये इनका काम नहीं है उसको करवाए आज आज सेट भी नहीं चलाता वो भी कॉरपोरेट तरीके से प्रोफेशनल से चलवाता है बोर्ड में बैठते हैं उनसे पूछते हैं कि ये सवाल किया सब कुछ किया उन्होंने भी सीख लिया वो पहले एक सेट अपने एक ही कॉपी के अंदर उसको सब कुछ पता होता था लेकिन आज ने कहा मैं इस तरह ग्रो नहीं कर सकता मैं ग्रो ये आज एक से चार बनाऊंगा तो उसका तरीका यही है कि मैं कॉपरेट कर लूँ तो मैं उनसे बात कर रहा था मैंने कहा देखें भाई बात यह है कि अगर मैं उस वक्त हेल्थ में प्रॉब्लम आई तो ये, ये खड़े हो गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए एजुकेशन हमारी टी आ गया हेल्थ फाउंडेशन आ गया ये आ गया उन्होंने ले लिया तो हम लोग तो ये जिंदा कौम की मिसाल है जो उसको लेके जा रही है आगे तुम्हारे मुल्क में उस जमाने में वो अमरीका में वो न्यूयॉर्क में बिजली गई पाँच छः घंटे के लिए तबाही मच गई सब लूट मार मच गई कहा मेरे मेरे मुल्क में पाँच घंटे बिजली आती ये नहीं होता ठीक है तो ऐसी देखें जब तक अमेरिका आज उसकी सात सौ आठ सौ साल की हिस्ट्री है नाइन्टीन सेंचुरी तक देवर वेस्ट वेनास यहाँ पहुँचते पहुँचते उनको बीसवीं सदी इक्कीसवीं सदी में आए हैं ना हम तो सत्तर साल के अभी पचहत्तर साल के ठीक है ना हमको भी सेंचुरी पूरी करने दें हम भी आपको The saab, sir, thank you so much. it's very insightful and definitely very motivating at the end as well. i hope ke, inshallah we should be able to and hopefully ja hai, wo aapko, they can make you proud as well. Uh, everything that you've done for this country, everything that you've done for your profession, um, you know, thank you so much for your service and thank you so much for everything that uh, you've know, done. ज़रूर जाता हूँ मैं इसलिए नहीं जाता हूँ जब भी मुझे किसी यूनिवर्सिटी से कॉल आती है या स्कूल से आती है मैं ज़रूर अपने आप को अपने स्केड्यूल को चेंज करता हूँ और सिर्फ इसलिए जाता हूँ हो सकता है एक दो के अंदर भी कोई तब्दीली आ गई तो ये एक फोर्स जाएगी इंशाल्लाह रिएक्शन थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉरफी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपके एपिसोड पसंद आई हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जस्ट अ डिस्क्लेमर हियर वी डोंट टेक एनी स्पोंसर सो दिस इज नॉट अ स्पोंसर्ड एपिसोड देयर इज नो यू नो वी कॉल्ड डॉक्टर बारी बिकॉज ही इज़

पाकिस्तान पर भी हमारी दूसरी पॉडकास्ट है यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशल फेडरल कैबिनेट, प्रोविशल कैबिनेट के लोगों से डिस्कशन करते हैं जो डाय टू अंडरस्टैंड के वट इज थॉट बिहाइंड सम मेज पॉलिसी डिसीज दर टिकंगर आउट इज वेल बट एनीजन जैदी यू आर वॉिंग थाट बिहड थिंस थैंक यू सो मच वॉचिंग एंडस्ट वन